आज हम बात करेंगे स्पेशल रिपोर्ट में किसान आंदोलन के बारे में। किसान आंदोलन खत्म होने के बजाय और भी उग्र होता जा रहा है। 18 दिन बीतने को है, किसान सड़कों पर धरने पर, चर्चा पर चर्चा हो रही है, लेकिन नतीजे के नाम पर कुछ नहीं। वहीं अब देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों की भूख हड़ताल भी शुरू हो गई है। राजस्थान के शाहजहांपुर में बड़ी संख्या में किसान सीमा पर आंदोलन कर रहे हैं और भूख हड़ताल पर है। दिल्ली में भी सिंगू, टिकरी और गाजीपुर सीमा पर किसानों का धरना जारी है। किसानों की ओर से सड़कों को जाम किया जा रहा है और साथ ही बीजेपी नेताओं के घेराव का भी किसान प्लान बना रहे हैं। किसान आंदोलन पर अब राजनीति भी तेज हो गई है। आए दिन विपक्ष सरकार पर हमला पर होती नजर आती है। अखिलेश, राहुल के साथ अब दिल्ली सीएम अरविंद केजरीवाल भी जहां किसानों के समर्थन में आ गए हैं, तो वहीं अब कोई भी राजनीतिक पार्टी सरकार पर हमला करने में नहीं चूक रही। वी मेट द प्रेसिडेंट एंड वी इन्फॉर्म्ड हिम ऑफ आवर व्यू रिगार्डिंग दीस बिल्स एंड वी सेड दैट इट इज वेरी इंपॉर्टेंट दैट दीस बिल्स आर टेकन बैक। Couple of points we mentioned to the president. The first was the manner in which these bills were passed, without any discussion, without a conversation with the opposition parties, and certainly without a discussion with the kisans of this country, who उन्होंने अपील की है पूरे देश की जनता से कि उनके किसानों के समर्थन में सब लोग एक दिन का उपवास रखें। मैं भी उनके साथ कल एक दिन का उपवास रखूंगा। मैं सभी आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से, समर्थकों से अपील करता हूं कि वो भी किसानों की इस मांगों के समर्थन में एक दिन का उपवास रखें। और मैं देश के सभी लोगों से अपील करता हूं, बहुत सारे हजारों लाखों करोड़ों ऐसे लोगों को मैं जानता हूं जो दिल से किसानों के साथ हैं। अपनी दिन ब दिन की दिनचर्या की वजह से वो बॉर्डर पर नहीं पहुँच पा रहे, लेकिन दिल से उनके साथ हैं ऐसे सब लोग। अब उनको भी मौका मिला है, ऐसे सब लोग अपने अपने घरों में एक एक दिन का उपवास रखें और किसानों की मांगों के समर्थन में प्रार्थना करें। देश के अलग अलग हिस्सों में किसानों ने अपने हक की लड़ाई को और भी उग्र करते हुए भूख हड़ताल शुरू कर दी है। वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने भी किसानों के साथ उपवास रखने का ऐलान कर दिया है। साथ ही उन्होंने आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ताओं से मुहिम में शामिल होने की अपील की। केजरीवाल ने कहा, केंद्र को किसानों की सभी मांगे माननी चाहिए और गारंटी न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि MSP को लेकर बिल लाना चाहिए। खेती से जुड़े 3 कानून के खिलाफ किसानों के प्रदर्शन को 2 हफ्ते से ज्यादा हो चुके हैं, लेकिन विरोध कम होने के बजाय बढ़ता ही जा रहा है। किसान तीनों ही कानून को रद्द करने की मांग पर अड़े हुए हैं, जबकि सरकार इनमें किसानों के हिसाब से संशोधन करने के लिए तैयार है। सरकार खुद को किसानों का हितैषी भी बता रही है। आज की स्पेशल रिपोर्ट में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए न्यूज़ इंडिया के साथ। नमस्कार।